अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप थोड़ा सा काम करके लाइफ टाइम तक के लिए कमा सकते हैं। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप फेसबुक पर फोटो शेयर करते हैं, टिकटॉक पर अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं या पिक्चर्स को अपनी शेयर करते हैं। यहाँ पर भी करना क्या है, सिर्फ आपने अपनी पिक्चर्स को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है और उससे लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने ऊपर सर्च बार में टाइप करना है wepik.com/AI। आपने टाइप करने के बाद आपके सामने वीपिक की एक वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पर लिखा है फ्री ऑनलाइन AI इमेज जनरेटर टेक्स्ट टू इमेज। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले अपना यहाँ पर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पर अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू गूगल पर कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। आपने भी इसी तरह करना है, जस्ट सिंपल गूगल पर कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पर हमने टाइप करना है ए अलोन मैन इन ए सिट आपने जिस तरह की भी इमेज लेनी है आपने वो टाइप कर देना है। मैं अभी ये इमेज लेने लगा हूँ, तो आपने कुछ भी टाइप कर देना है यहाँ पर जिस तरह की आप इमेज चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने आपको मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं, अनाइम, पिक्स आर्ट, लो पोली, 3D पेंटिंग्स, डिजिटल आर्ट या फोटो। हमने यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें फ़ोटो चाहिए, तो हम यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। जनरेट करने के बाद हमारे पास कुछ फोटोज़ आ जाएंगी। अभी सर्च हो रही है तो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स आ गई हैं, तो आपने यहाँ से कोई भी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हमने यहाँ पर डाउनलोड नहीं करना है, इसको सीधा एडिट पर चले जाना है। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया डैशबोर्ड शो हो जाएगा। हमने जैसे इसको फिर आपने करना क्या है, आपने यहाँ से इसकी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देना है और इसको मैं 1280 पर ले जाता हूँ। हमने साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया। अब हमने यहाँ पर करना है इसको डाउनलोड कर लेना है और जिस भी फाइल में हमने डाउनलोड करना है उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं जी पे पर करने लगा हूँ। मैंने इसका यहाँ पर साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है, करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो हमारी जो पिक्चर है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब दूसरी जो साइड है वो आपने फिर गूगल पर चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है लेट्स इन्हांस डॉट आईओ बूस्ट। आपने इसको टाइप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की साइट आ जाएगी। हमने यहाँ पर जस्ट सिंपल गूगल पर कंटिन्यू करना है, अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पर अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ।
अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारी जो साइट है वो लॉगिन हो चुकी है, और यहाँ पर कह रहे हैं ड्रॉप योर इमेज, अपनी इमेज को यहाँ पर ड्रॉप करें। हमने यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टेटस रेडी यहाँ पर शो हो चुका होगा, रेडी टू प्रोसेस। आपने यहाँ पर स्मार्ट इनहांस करना है और साइज को ऑटो कर देना है, और यहाँ पर लाइट एआई को ऑन करके 100 पर ले जाना है, और टून इनहांस को भी ऑन करके 30 पर ले आना है, और कलर इनहांस को भी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर जस्ट सिंपल स्टार्ट प्रोसेसिंग पर क्लिक कर देना है। हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। हमारी जो पिक्चर है वो इन्हांस हो चुकी है, अब हमने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब हम कुछ देर वेट करते हैं। हमारी जो पिक्चर है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब थर्ड स्टेप पर हमने करना क्या है, हमने चले जाना है वेबसाइट पर जिसका नाम है 500px.com। हमने इसको टाइप करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारी साइट जो है वो कुछ इस तरह की शो हो रही होगी, 500px। तो जस्ट आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर काम करके देखा है कि यहाँ से अर्निंग होती है या नहीं, कहीं ये साइट फेक तो नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही टेस्ट कर लिया है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आपने भी यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद अब आपने जस्ट यहाँ पर सिंपल अपलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है, और यहाँ से ऐड फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो हमने फोटो डाउनलोड की थी उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो रही है। हमारी जो पिक्चर है प्रोसेस हो रही है, आपने यहाँ पर टाइटल लिख लेना है। हम टाइटल लिख लेते हैं, इफ मैन अलोन इन ए स्ट्रीट। हमने टाइप करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देनी है, डिस्क्रिप्शन भी हम यही दे देते हैं। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर कैटेगरी को चूज़ कर लेना है, कैटेगरी क्या है हमारी, तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हमने इसको चूज़ कर लिया। अब इस फोटो इज कंटेन नुडिटी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट और सजेस्टिव कंटेंट नो। हमने यहाँ पर इसको टिक नहीं करना, नीचे आ जाना है, लोकेशन को टाइप कर दें, लोकेशन हम लंदन कर देते हैं, और यहाँ पर आपने आपको कीवर्ड दिए गए हैं, उन्होंने सजेस्टिव कीवर्ड दिए गए हैं, आपने इस पर यहाँ पर इसको
सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑटो अप्लाइड किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर कीवर्ड कोई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वरना रहने दें। आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि अगर आपने इसको पब्लिक करना है तो पब्लिक कर सकते हैं। अगर आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं इस पर तो वाटर मार्क लगा दें, क्योंकि हमने इसे अर्निंग करनी है। इस पिक्चर से हमने अब अर्निंग करनी है, इसलिए हम यहाँ पर वाटर मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर हम कैमरा का कोई भी दे देते हैं। मैं मोबाइल दे देता हूँ, मोबाइल और लेंस कुछ भी आप लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लेंस नहीं, क्योंकि मैंने लेंस नहीं, इस हमारे पास कोई भी लेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, हम लेंस नहीं देंगे। और यहाँ पर शूट डेट एंड टाइम दे दें, हम आज का डेट और टाइम दे देते हैं 06/2023। कुछ भी डेट और टाइम दे देने के बाद आपने यहाँ पर 06/30/2023 देने के बाद आपने अपलोड पर क्लिक कर देना है। और यार ये टाइम गलत आ रहा है, तो सॉरी, फर्स्ट पर हमने ईयर लिखना है, फिर हमने मंथ लिखना है। मंथ क्या है? 06/06 मंथ है। और लास्ट पर हमने देना है डेट। अब हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारी जो पिक्चर्स है वो अपलोड हो रही है। हमारी पिक्चर्स अपलोड हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। ये तो था फर्स्ट। अब हमने इसको सबमिट टू लाइसेंस करना है, ताकि अब हम इसे पैसे भी अर्न कर सकें। मैंने आपको शुरू से बताया था कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए से अर्निंग का स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी किसी कोई भी अच्छी सी पिक्चर्स ले लेनी है, नेचर की पिक्चर ले ली, कोई जानवर की पिक्चर्स ले ली, आपने उसको 5 MB तक इन्हांस कर लेना है। हमने जो सेकेंड वेबसाइट बताई थी ये वाली, यहाँ पर आपने इस पिक्चर अपनी पिक्चर को इन्हांस कर लेना है। यहाँ पर यहाँ से आपने पिक्चर को सिलेक्ट करके इन्हांस कर लेना है। ये ऑटोमेटिक आपको 5 MB तक इन्हांस कर देगी। और थर्ड जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपने जस्ट उसको अपलोड करना है। कोई भी पिक्चर या इमेज होगी उसको अपलोड करेंगे, और उसको आप हमने सबमिट एज लाइसेंस पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हमने इसे अर्निंग करनी है। जब हम इसको सिंपल अपलोड करेंगे तो हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। हम यह सबमिट टू लाइसेंस कर दें। वो कह रहे हैं आवर AI हैज़ फ्लैग्ड दिस हैविंग क्वालिटी ऑफ टेक्निकल इश्यूज में। हमने एड फोटो कर देना है, और कोई भी हमने और पिक्चर्स को ले लेना है। तो जब ये कह रहे हैं कि AI जनरेटेड ये पिक्चर्स है, तो यहाँ से आप इसको लाइसेंस नहीं कर सकते। आपने जस्ट सिंपल वही मेथड इस्तेमाल करना है, अपनी कोई भी मोबाइल की पिक्चर्स को ले लेना है और यहाँ से इन्हांस कर लेना है। इन्हांस करने के बाद यहाँ पर इसको लाइसेंस पर अपलोड कर देना है।
यहाँ से बहुत सारे लोग, जब आप इसको एक बार अपलोड कर देंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट पर रहेगी, इस वेबसाइट पर रहेगी, और आप इससे लाइफ टाइम तक अर्निंग हासिल कर सकते हैं। जब तक लोग इसको खरीदते रहेंगे, देखते रहेंगे, बाय करते रहेंगे, तो आपको इसके $500 भी मिल सकता है, $50 भी मिल सकता है, $100 भी मिल सकता है, जस्ट एक बाय पर। डिपेंड करता है आपकी पिक्चर्स पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।